जहां उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़क पर उतरकर संग्राम छेड़ रहे हैं। वजह है ईडी के सामने राहुल गांधी की जो पेशी हो रही है। कल उन्हें एक बार फिर से पेश होना है, आज उन्हें नहीं बुलाया गया है, लेकिन ईडी के सामने पेशी में सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, राहुल ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल ने ईडी की पूछताछ में कहा कि एजीएल और यंग इंडियन के बीच वित्तीय मामलों को लेकर मोतीलाल वोरा ही अधिकृत थे और अब राहुल से कल फिर पूछताछ होगी। वहीं इस राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताते हुए कांग्रेस देश के तमाम राज्यों में राजभवन के बाहर आज विरोध प्रदर्शन करेगी। कल दिल्ली के एआईसीसी हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस ने अंदर घुसकर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद कांग्रेस भड़की हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया कि अंदर से पुलिस वालों पर चीजें फेंकी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को अंदर घुसकर कार्रवाई करनी पड़ी है। तो यहां दो प्रमुख चीजें हैं, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने किस तरीके से ईडी को जवाब दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। कार्यकर्ताओं को बांध निकाल दिया। आज अगर ये चुनाव जीत गए, दो चुनाव जीत गए हैं, और जिस घमंड और अहम में चल रही सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित है कि होगा क्या लोकतंत्र का। आज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती, देश जानता है, उनके हेड ऑफिस को जिस प्रकार से अंदर घुसकर के पुलिस ने जो यहाँ पर आतंक मचाया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पुलिस कमिश्नर को चाहिए पूरी जांच करवाए किस लेवल पे गलती हुई है। वो ये भैया शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भक्ति प्रदर्शन है, और ये भक्ति प्रदर्शन वालों को इतने ही कहना चाहेंगे कि देखो दीवानों, ये तुम काम ना करो, सत्याग्रह का नाम बदनाम ना करो। तो जो सत्याग्रह के नाम पर इस तरह का हुड़दंग, हंगामा, हाहाकार चल रहा है, वो अपने आप में कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज जो है, वो आप करप्शन को क्राइम के क्या सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और करप्शन को क्राइम का सुरक्षा कवच पहना करके चोरी और सीनाजोरी, इससे बचना चाहिए। और ये जो कुछ हाहाकार हंगामा हो रहा है, उससे न तो कांग्रेस का कोई फायदा होने वाला है और न कांग्रेस के परिवार का। मोदी सरकार और मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने गुंडागर्दी के और कानून की उल्लंघना के सारे आयाम, सारे नियम तोड़कर रख दिए हैं। वो कांग्रेस के मुख्यालय में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में जबरन कैसे घुस सकते हैं, कैसे किसी के घर के अंदर जाकर लाठी चार्ज कर सकते हैं। और चेतावनी है दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों को जो कठपुतली बनकर इस प्रकार का दुर्व्यवहार और गुंडागर्दी कर रहे हैं, निर्णय उनका भी होगा। जिस प्रकार से हर कानून को तोड़ा जा रहा है और कोऑपरेट करने के बदले कॉन्फ्रंटेशन अपना रही है ऑल इंडिया करप्ट कमिटी और ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमिटी, ये दिखाता है कि पहले भ्रष्टाचार में जो 2000 करोड़ का गबन किया गया, उस पर तो साइलेंस है, परंतु अब कोई इंटिमिडेशन कर दे, एजेंसीज को सवाल पूछने का मौका ना मिले, एजेंसीज को सच तक पहुंचने का मौका ना मिले, इसीलिए वायलेंस पर उतर आए हैं, हुलिगनिज्म पर उतर आए हैं, हुड़दंग पर उतर आए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के इशारे पर।